हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को क्रैश कोर्स का सेकंड क्लास कराने जा रहे हैं, जो रेशनल नंबर का पार्ट टू है। एक क्लास एट है मैथ्स रेशनल नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर फोर पे बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा हाउ मेनी रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, इनफाइनाइट। दो रेशनल के बीच, इट मीन्स बिटवीन में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होता है। ध्यान दीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हो गया। फाइंड थ्री रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/7 एंड 2/7। देखिए, सबसे अच्छा टेक्निक मैं बता रहा हूँ, दो रेशनल के बीच रेशनल फाइंड करना है तो सबसे पहले हम लोग डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। तो देखिए, तो यहाँ डिनोमिनेटर तो सेम है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं रहेगा, जैसे कि एक क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा, तो सबसे पहला स्टेप हम लोग को देखना है कि डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो सेकेंड स्टेप में मैं क्या करता हूँ, ध्यान देखिएगा। तो यहाँ तो डिनोमिनेटर सेम है, चलो पहला स्टेप क्लियर है। अगर नहीं रहता तो डिनोमिनेटर को सेम किया जाता। तो डिनोमिनेटर सेम है और इसके बीच थ्री रेशनल नंबर फाइंड करना है। अब बताइए बच्चे, -2 और 2 के बीच क्या क्या आ रहा है? तो -2 और 2 के बीच -1, 0 और 1 आ रहा है। यहाँ थ्री रेशनल नंबर फाइंड हो रहा था, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन कभी कभी -2 और 2 के बीच में 3 नहीं आता है तो बच्चा कंफ्यूज कर जाता है। जैसे यहाँ तो आ रहा है -2 के बीच हो गया -1, 0, 1 हो गया, तो 3 आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें 4/4 से मल्टीप्लाई करना जरूरत नहीं था, लेकिन 4 से हम कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 3 पूछेगा तो आप 4/4 से कीजिएगा, अगर 5 पूछेगा तो 6/6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। 6 रेशनल नंबर पूछे तो 7/7 से मल्टीप्लाई कर देना है। ऐसे हम लोग को बीच में पता चल जाता है कि बीच में 7 क्या होगा। ऐसे 2 और 3 के बीच में पूछे तो बच्चा बोलेगा सर 2 और 3 के बीच में तो पूछे ही, लेकिन इनफाइनाइट है। 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.9 तक है, बहुत सारा इनफाइनाइट है, लेकिन बच्चे उसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। तो इसीलिए जब ये दोनों के बीच नहीं पता चलता है, बिटवीन में पता नहीं चलता है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ अगर 3 पूछेगा तो एटलीस्ट कम से कम 4/4 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर 4 ऐसा नंबर पूछता तो 5/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ज्यादा आप जितना से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जितना पूछेगा उससे कम से कम एक ज्यादा से मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे कर देना है, इट मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ध्यान दीजिए, तो चलिए -2/7 था तो 3 पूछ रहा था तो 4/4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो -8/7 क्या हो गया 20। 2/7 है, 8/4 से मल्टीप्लाई किए 8/28 हो गया। अब बताइए 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन -8/20 and 8/28 माने ये दोनों के रेशनल नंबर के बीच रेशनल नंबर क्या है? तो देखिए -8 और 8 डिनोमिनेटर तो सेम है, देखना आप न्यूमरेटर के बीच में, तो -8 के बीच में -7 भी है, -6 भी है, 5 भी है, और 28 डिनोमिनेटर में पुट कर दें। चलिए, ए सिंपलेस्ट होगा तो सिंपलेस्ट कर दिए, 7/4 = 28 तो -1/4 हो गया, 2/3 = 6, 2 से 14 टाइम्स तो -3/4 क्या हो गया 14, ए ऑलरेडी सिंपलेस्ट है, आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन -1/3 and 4/9। अब देखिए, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो सबसे पहले क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करें। आइए डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड करते हैं, तो 3 और 9 का एलसीएम क्या हो गया 9, इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर को 9 करना होगा। तो चलिए -1/3 है तो इसको 9 करने के लिए 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो अपर भी 3 से करेंगे तो -3/4 क्या हो गया 9, और ये ऑलरेडी 9 है तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब देखिए, हम देखते हैं कि -3 और 4 के बीच में 4 रेशनल नंबर है कि नहीं, तो क्या है -2, -1, 0, 1, 2, 3 बीच में दिख रहा है, तो हम लोग इसको 4 है तो 5/5 से मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, क्योंकि पता चल रहा है इसलिए मत कीजिए। तो चलिए 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन -3/9 एंड 4/9
क्या क्या है, तो माइनस थ्री और फोर के मीट में, तो क्या हो गया माइनस टू माइनस वन, और टू भी है थ्री भी है, लेकिन हमें हम लोग को थ्री ही फाइंड करना है, फोर फाइंड करना है। चलिए एक और लिख लेते हैं हम लोग, फोर फाइंड करना है, एक और लिख लीजिए, इसके मीट में क्या है बताइए, थ्री अपॉन नाइन भी है, इसको थ्री अपॉन नाइन भी डाल देते हैं, थ्री अपॉन नाइन, तो आपको हो गया ए फोर हो गया, आपको इसको सिंपलिस्ट कर लीजिए, थ्री थ्री जा नाइन, तो आपका फोर रेस नंबर फाइंड हो गया, तो ये बहुत इजी है। तो आपको आपको जब भी रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए बोले तो ऐसे बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन सबसे अच्छा मेथड यही है, पहले डिनोमिनेटर को सेम कीजिए, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आप देखिए डिनोमिनेटर के बीच में जितना रेशनल नंबर हमको फाइंड करने के लिए बोल रहा है वो आ रहा है कहीं, डेसिमल में नहीं, डेसिमल में थोड़ा बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ, अगर नहीं आ रहा है तो जितना रेशनल नंबर आपसे पूछ रहा है उससे कम से कम एक ज्यादा, एटलीस्ट उससे ज्यादा आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देना है, उसके बाद न्यूमरेटर के बीच आपको पता चल जाए, क्लियर है। तो ये आपका सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने मैंने क्रैश कोर्स में पढ़ाया, उसको प्रैक्टिस पूरा कीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, दैट्स ऑल।